देन हमारे पास अब हमने लेंथ को भी डिस्कस कर लिया कि अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। भड़ी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत प्रिसाइज, और नीडल के लेंथ मेजर करने के लिए, उनके डायामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए, वो हमने सब जो है स्टडी कर लिया। देन हमने स्टडी किया कि अगर टाइम को मेजर करना है तो हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे, अगर मास को मेजर करना है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो वो आ जाएगा मेजरिंग सिलेंडर्स। अब इसकी जो मेजरमेंट होती है वो थ्रू सिलेंडर्स होती है। वॉल्यूम जो है मेजर किया जाता है एक सिलेंडर के थ्रू, जिस तरह ग्लास होता है उसके ऊपर अगर लेवल बना दिए जाएं तो इट एक लाइक सिलेंडर, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर में हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना है। और ये जो सिलेंडर है ये या ग्लास का बना होता है या ट्रांसपेरेंट जो है प्लास्टिक का, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जिसके ऊपर स्केलिंग हुई होती है। और ये मेजरमेंट कहाँ तक कर सकते हैं, ये 100 ml से लेके 2500 ml के बीकर्स होते हैं हमारे पास। 100 से कम की भी मेजरमेंट की जा सकती है, वो छोटे बीकर्स होते हैं। बट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो 100 टू 2500 ml जो है वो मेजर कर सकते हैं। और ये इरेगुलर सॉलिड बॉडीज़ का भी वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं कि अगर एक इरेगुलर कोई भी बॉडी है लाइक स्टोन है या कुछ भी है तो उसको हम लोग अगर उस वॉल्यूम के थ्रू मेजर करना चाहते हैं, उस वॉल्यूम सिलेंडर के थ्रू, तो उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है कि एक इस तरह से बीकर है हमारे पास, इसके ऊपर वही स्केलिंग हुई हुई है। आपने अगर किसी भी लाइक एथेनॉल का या किसी भी चीज़ का, वाटर का, आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, जितना वो मेजरमेंट होगी उस मेजरमेंट के बिल्कुल सामने अपनी आई कांटेक्ट रखेंगे। अगर इसमें आप जो है रीडिंग लेते हुए ये नोट नहीं करेंगे कि आपकी आई बिल्कुल उस लेवल पे हो, उस रीडिंग पे हो जहाँ पे आपका वॉल्यूम आपको शो हो रहा है, तो आपकी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप देखें ऊपर से लेंगे ना, आपकी आई इस जगह पे है, अगर आपको वाटर लेवल थोड़ा डाउन नज़र आएगा और वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं होगी। इसी तरह अगर आप नीचे से देखेंगे तो नीचे से देखने में क्या होगा, आपको ये थोड़ी अपवर्ड नज़र आएगी। और ऐसा एक्चुअल में था नहीं, क्योंकि रीडिंग बिल्कुल उस रीडिंग के सामने आई को रख के ली जाती है और एक्चुअल रीडिंग आपकी यहाँ पे थी। इट मीन्स यहाँ नीचे अगर चला गया तब भी आपकी करेक्ट रीडिंग नहीं आई, अगर आपने ऊपर से नीचे से देखा और ऊपर थोड़ा आपको लेवल लगा है तो वो भी आपकी करेक्ट रीडिंग नहीं है। तो आपने सबसे पहले एक जो मेजरिंग सिलेंडर से मेजरमेंट लेते हुए इस बात को ख़ास ख्याल में रखना है कि आपकी आय बिल्कुल उस लेवल के ऊपर हो, बिल्कुल उस रीडिंग के ऊपर होनी चाहिए जहाँ पर आपको उस चीज़ का लेवल नज़र आ रहा है। तो अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आपकी बिल्कुल दोनों साइडों पे रीडिंग गलत हो जाएगी। देन आप वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं, आप जो भी वाटर डालेंगे या कुछ भी डालेंगे उसको इसके थ्रू आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अभी जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप एक इरेगुलर बॉडी का भी वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा, आप उसी तरह बीकर लें, ठीक है। बीकर को वाटर से फिल कर दें, स्केलिंग हुई हुई है, आपने यहाँ तक वाटर फिल किया, लाइक यहाँ पे थी 200 ml या 100 से स्टार्ट कर लेते हैं, 200 ml, 300 ml, इतना पानी था हमारे पास। हमें उसका आइडिया है कि हमने इतनी रीडिंग पे उसको नोट कर लिया कि हम 300 मिलीलीटर पानी ले रहे हैं। अब एक थ्रेड लें, उसके साथ एक इरेगुलर बॉडी, कोई भी स्टोन है, कुछ भी है एक्सेट्रा वगैरह, तो आप उसको जब डिप करेंगे और वो बिल्कुल यहाँ पे आके डिप हो जाए, ठीक है, इरेगुलर बॉडी जब बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगी तो ऑब्वियसली पानी का लेवल थोड़ा राइज कर जाएगा, क्योंकि वो एक सॉलिड बॉडी थी। हम सिर्फ सॉलिड बॉडी का ही वॉल्यूम थ्रू मेजरिंग सिलेंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई और पाउडर फॉर्म में चीज़ लेंगे वो सॉलिबल होगी या इनसॉलिबल भी हो तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर आप जो है किसी ऑयल वगैरह का, ग्रीस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो आप इस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाटर के लेवल के ऊपर जो है यू
या तो अगर ऑयल वगैरह होगा तो ऊपर ही रहेगा, इनसॉल्युबल है क्योंकि, और अगर कोई पाउडर फॉर्म में चीज़ ले रहे हैं जो कि सॉल्युबल है तो वो अंदर ही मिक्स हो जाएगी और आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। इसलिए सिर्फ आप मेयरिंग सिलेंडर से अगर मेयर करना है तो आप इरेगुलर बॉडीज़ का वॉल्यूम मेयर कर सकते हैं। और वो किस तरह से होगा, आप उस चीज़ को जो है स्ट्रिंग से, मतलब धागे से या थ्रेड से अटैच करें, उसको फुली डिप होने दें उस पानी के अंदर। जब पानी में डिप हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, तो पानी का लेवल थोड़ा सा अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे शो किया कि इसने 300 से चले, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रीडिंग थी 400 ml और यहाँ पे थी 350 ml। तो यहाँ पे वाटर कितना राइज हो गया है, 350 ml। तो ये हमारे पास फाइनल रीडिंग है, इसको F2 कह लेते हैं, फाइनल रीडिंग, ठीक है। इसको हम कह लेते हैं F1। तो अगर एक वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें इरेगुलर बॉडी का, हम क्या करेंगे, F2 में से माइनस कर देंगे F1 को। मतलब इतना जो पानी ने राइज किया है वो किस वजह से है, एक स्टोन के वॉल्यूम की वजह से। तो इससे पता चल जाता है कि स्टोन का वॉल्यूम या इरेगुलर बॉडी का वॉल्यूम भी मेयर किया जा सकता है। और ये अबाउट सारा जो है हमने मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर पढ़ा है कि एक वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और लेंथ वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और दैट वॉज द एंड ऑफ योर मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स।